क्लास 10th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर आज डील करने जा रहे हैं। आपका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन जानना है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक वाइटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, लाइक मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ इत्यादि। मतलब सजीव वस्तुएं जो जैविक क्रियाएं करता है, जैसे ग्रोथ है, भोजन लेना है, रेस्पायरेशन है, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सब जो उनके प्रोसेस है जो वो परफॉर्म करते हैं अपने जीवन काल में, वही सब लाइफ प्रोसेस कहलाता है। और ये हमारा बड़ा एक्सटेंसिव चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। कम से कम चार सिस्टम की जानकारी मुझे रखनी है। पहला है डाइजेशन, दूसरा है रेस्पायरेशन, तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन और चौथा है इजेशन। ये चारों अपने आप में एक सिस्टम है, एक एक्सटेंसिव चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस। इन सब की बेहतर जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो लाइफ प्रोसेस अब समझते हैं कि आपकी समझ में आ गई होगी कि लाइफ प्रोसेस क्या है। बेसिक वाइटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग, लाइक रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब कहलाते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म, ये जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है विद इन लिविंग थिंग्स, सजीव के अंदर, वो सब के सब लाइफ प्रोसेस में आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण और न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक पदार्थ। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन इस तरह से दिया जा सकता है, टेकिंग ऑफ फूड, देयर यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ, ये है न्यूट्रिशन। मतलब शरीर के द्वारा जो भोजन लिया गया उसका जो बॉडी इस्तेमाल किया एनर्जी प्राप्त करने में, शरीर के विकास में, उसके बाद शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में और शरीर को निरोग रखने में, इन सब कामों के लिए जो एनर्जी है या जो एलिमेंट है वो सब का सब हमें भोजन से ही मिलता है। तो इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और तो मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब का यूटिलाइजेशन है बॉडी द्वारा, इसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट तो है, जैसा भी अभी हमने बताया कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये हम लोगों का न्यूट्रिएंट। लेकिन प्लांट के केस में तो दूसरा न्यूट्रिएंट है। प्लांट के केस में जो न्यूट्रिएंट है वो है एनपीके। तो सबसे पहले एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड फॉर फास्फोरस एंड के स्टैंड फॉर पोटेशियम, ये तो चाहिए। इसके अलावे फिर यहाँ भी न्यूट्रिएंट में माइक्रो और मैक्रो है, दो भाग में बटा है। जिंक वगैरह जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, थोड़ी मात्रा में चाहिए। जैसे हमारे ही लिए बात किया जाए, मनुष्य के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन तो है, लेकिन मिनरल भी तो चाहिए। कैल्शियम चाहिए, आयोडीन चाहिए, आयरन चाहिए, क्योंकि इसकी भी जरूरत है हमारे बॉडी को। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्लड का फॉर्मेशन तभी होगा जब शरीर में आयरन की मात्रा होगी, तभी हीमोग्लोबिन बन पाएगा, तभी आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी। और ब्लड सर्कुलेशन तो समझिए कि शरीर का लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, इसका स्टॉप होना डेथ के समान है, मृत्यु के समान है। तो न्यूट्रिशन भी आप समझ गए होंगे, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन ऑफ बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट
फूड कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं चीफली, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट, वी ऑल नो दैट ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, एटीसी, इसके द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ एंड ऑल एनिमल, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड और देयर फूड दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन आइदर ग्रीन प्लांट और सम एनिमल, जानवर या और भी जो जीव जंतु हैं हरे पेड़ पौधे को छोड़कर, ये अपना भोजन या तो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन खुद ही नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के बाद, ऐसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको यहाँ लिखा गया है सेप्रोट्रॉफिक, पारासाइटिक, होलोजोइक। अब जरा इन चीजों को समझिए। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सरे गले मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हों। डेड और डिकेइंग का मतलब यही हुआ, सरे गले मरे कार्बनिक पदार्थों से। कार्बनिक पदार्थों का मतलब हम लोगों के शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब है और ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं क्योंकि इनमें कार्बन एक चीफ एलिमेंट के रूप में पाया जाता है ना। जैसे आप ही देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल एक फॉर्मूला है ना, ग्लूकोज का C6H12O6, तो आप समझ गए कि ये कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कार्बन है। तो ऑर्गेनिक मैटर से, सरे गले मरे हुए से जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है। और सेप्रोट्रॉफिक में दो तरह के जीव मुख्य रूप से आते हैं, एक फंगस और दूसरा बैक्टीरिया। ये सरे गले जानवरों को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सिंपल रूप में लाके नेचर में छोड़ देते हैं, यही है सेप्रोट्रॉफिक। फंगस और बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉफिक हो गए। पारासाइटिक का मतलब होता है परजीवी, एक ऐसा जीव जो कंप्लीटली दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, दूसरे के शरीर में जीवित शरीर के अंदर होता है, मरे हुए पे नहीं, जीवित के अंदर है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। इसमें बैक्टीरिया भी होगा, वायरस भी होगा, हेलमेंट भी होंगे, वर्म भी होंगे, प्रोटोजोआ भी होंगे, तो ये सब पारासाइटिक है। ये सजीव जीवित प्राणियों से अपना भोजन लेते हैं। होलोजोइक का मतलब हो गया प्राणी सदृश, जैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, बड़े बड़े जानवर, उनमें भोजन लेना है मुंह से, फिर उसका डाइजेशन है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन है, फिर उसका एसिमिलेशन है और अंत में इजेशन है। तो जिन जंतुओं में ये चार स्टेप होता है न्यूट्रिशन में, ये पांच स्टेप होता है न्यूट्रिशन में, मुंह से सॉलिड या लिक्विड को अंदर लेना, फिर उसका डाइजेशन होना, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना, फिर उसका एसिमिलेशन और इजेशन होना, तो ये पांच स्टेप में जो जीव जंतु अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक छोटा सा रिएक्शन है केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, परीक्षा के ख्याल से ये सब जरा इम्पोर्टेंट है। अगर हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है, हमारा रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सिंपल मटेरियल से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये उसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस केमिकल चेंज को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में जब दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस को एकदम शॉर्ट फॉर्म में, तो यही कहलाता है केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसका जस्ट अपोजिट होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में ये टूटते हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिएजेंट की तरफ आए और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब निकलेंगे और साथ साथ एनर्जी भी निकलेगी। तो ऐसे भी कहा जाता है कि रेस्पायरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए चार चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। और ये चार चीजों की कमी हो जाने पर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। आपकी पुस्तक में ये एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले पौधे को तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर सनलाइट ना मिले पौधे को तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर पौधे में क्लोरोफिल नहीं है तो भी उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जल के बारे में क्या कहना है, जल तो जीवन है। आप देखिए, जिस पौधे को जल नहीं मिलता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सूख जाता है। तो जल तो नेसेसरी है सभी प्रकार के वाइटल फंक्शन, जैविक क्रियाओं को करने के लिए। हमारे सेल से अगर जल निकल जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, हैं, तो हमारी स्थिति लड़खड़ा जाती है, हम वीक हो जाते हैं, और अगर तुरंत केयर न किया जाए तो हो सकता है कि हमारी डेथ भी हो जाएगी। तो जल तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जल, वाटर, उसके बारे में तो करना ही नहीं। तो आपकी पुस्तक में ये दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट को, उस एक्टिविटी को कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं कि पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरी है, कैसे आप बताएंगे, क्लोरोफिल कैसे जरूरी है, उसके बाद सनलाइट नहीं मिले तो कैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और पेड़ पौधे अपना भोजन पहले तो ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, यही ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होके पेड़ पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में जमा हो जाते हैं, जैसे सीड में जमा हो जाए, फ्रूट में जमा हो जाए, रूट में जमा हो जाए, स्टेम में हो जाए। इस स्टार्च की जांच तो हम लोग बहुत इजी वे में करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा एक्सपेरिमेंटल लैब में आयोडीन सॉल्यूशन डाल के हम पत्तों में स्टार्च की जांच कर सकते हैं, आलू में स्टार्च की जांच कर सकते हैं। तो स्टार्च टेस्ट के द्वारा हम आयोडीन टेस्ट के द्वारा हम स्टार्च की जांच अच्छी तरह कर सकते हैं। पेड़ पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो ज्यादातर ग्रीन लीव्स में होती है। अगर ग्रीन लीव्स के अंदर सेल के अरेंजमेंट को हम देखें माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसमें पेरिसेट और स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं और उसमें छोटे छोटे बिंदु जैसे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट की मदद से पेड़ पौधे की पत्तियां अपने लिए ग्लूकोज बनाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यही ग्लूकोज उनके शरीर में सर्कुलेट होते हैं और सरप्लस ग्लूकोज जो है वो उनके डिफरेंट पार्ट्स में जमा हो जाते हैं, जिसका वो इस्तेमाल कभी क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं। तो ये बातें हुई फोटोसिंथेसिस की, इस एक्टिविटी को, इसके एक्सपेरिमेंट को हमको अच्छी तरह से किताब की मदद से याद कर लेना चाहिए, खुद ही सेल्फ अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, ये भी इजी बातें हैं, ये भी हम सब पहले से जानते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि फीडिंग हैबिट के आधार पर जीव जंतु 5 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सेंगिवोरस, इंसेक्टिवोरस, सबको पता। हर्बीवोरस आर प्लांट एंड प्लांट पार्ट फीडिंग एनिमल, कार्निवोरस आर फ्लेश ईटिंग एनिमल लाइक लायन टाइगर, इंसेक्टिवोरस आर इंसेक्ट ईटिंग एनिमल लाइक वॉल लिजार्ड फ्रॉग ये सब, सेंगिवोरस आर ब्लड फीडिंग एनिमल लाइक मॉस्क्यूटो लीच, एंड ओमनीवोरस जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला, जैसे मनुष्य भी सर्वाहारी है, कौवा भी सर्वाहारी है,
ये सब कुछ खा लेता है, जो मिल गया सब खाया। तो ये फीडिंग हैबिट के आधार पर तो इस तरह से जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम लोग चलें जरा ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। जितने भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, मैमल है, ये सब कॉम्प्लेक्स एनिमल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम के साथ कुछ अंग होते हैं और वो एक खास काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइड द सेल। तो ये अलग अलग सिस्टम वाले ही जंतु कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो मनुष्य भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उस भी जटिल जंतु माना जाता है, क्योंकि उनमें भी ढेर सारे सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और भी बहुत सारे, इम्यून सिस्टम भी आजकल चलता है, वो भी सिस्टम है। तो तरह तरह के सिस्टम वाले जो जंतु हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। और इन जंतुओं में न्यूट्रिशन में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप के बाद उनको न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे उनमें इंजेशन होता है, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। सभी जीव जंतु अपना भोजन मुंह में लेते हैं, बकल कैविटी में लेते हैं। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, जिसका डिफिनेशन है कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ विल्ली प्रेजेंट इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का मतलब हमारे द्वारा लिया गया भोजन का कन्वर्सन है, बदलना है, उस रूप में लाना है जिस रूप में ये बॉडी द्वारा यूटिलाइज हो सके, इस्तेमाल हो सके, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से होता है। तरह तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम शरीर के डिफरेंट अंगों में है, वहां से ये रस निकलता है भोजन पे और धीरे 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 उसको सिंपल रूप में डाल देता है। यही भोजन जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतिम छोर पे जाता है, तब तक ये कन्वर्ट हो चुका होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कन्वर्ट होके ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन वाला जो भोजन है वो कन्वर्ट होके एमिनो एसिड में बदल जाता है, फैट जो हमने भोजन के रूप में लिया वो बिल्कुल कन्वर्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट हो गया, विटामिन और मिनरल जो हमने लिया उसी रूप में ये एब्जॉर्ब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा भिल्ली है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में मिला देती है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन है। ये फूड हमारे ब्लड स्ट्रीम द्वारा हमारे सेल टिश्यू अंग में जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है सब जब एब्जॉर्ब कर लिया गया डाइजेस्टेड फूड से सारे न्यूट्रिएंट को, तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां उससे एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं और भी कुछ सरप्लस जो भी न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। अंत में अनडाइजेस्टेड फूड एनस के द्वारा शरीर से टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग इजेशन कहते हैं। तो इस तरह से पांच स्टेप में मनुष्य के अंदर भी ये न्यूट्रिशन और की क्रिया होती है। इस तरह से मनुष्य भी न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। अब मनुष्य के खास के ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, उसमें दो पार्ट होते हैं, इसको आप अच्छी तरह भली भांति समझ लें। दो जो पार्ट है, एक का नाम है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का हिंदी होता है आहार नली। आहार नली हमारे बकल कैविटी से शुरू होता है, ओएसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और एनस अंतिम छोर है जहां वो ओपनिंग है, खत्म है। तो ये जो पाइप हमारा जो
बकल कैविटी से अटैच है और एनस मलद्वार तक जो गया, ये जो पूरा का पाइप जो कहीं इसका डायमीटर ज्यादा भी है कहीं कम भी है, तो ये जो हमारा ये कैनाल है ट्यूबलाइट है ना, जो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है, इसे ही हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग हो गया सब। एसोफेगस है, ड्यूडिनम है, एस्टोमैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इन्हीं अंगों से ही केवल डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन के लिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हैं। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड शरीर में अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में है, बिलो द टंग है, जीभ के नीचे है, जिसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। ये सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम निकालता है जिसको हम एमाइलेज कहते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। कुछ किताबों में कहीं कहीं टाइलिन भी लिखा हुआ मिलता है। तो सैलिवरी एमाइलेज हो या टाइलिन हो, इसका फंक्शन है स्टार्च पे। हमारे द्वारा खाया गया चावल, हमारे द्वारा खाई गई रोटी स्टार्च से भरपूर है। स्टार्च पर जब ये सैलिवा एक्शन करता है तो ये इसको धीरे धीरे माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। तो हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, कंप्लीट नहीं होता, ये शुरुआत हो गई। इसके बाद ये भोजन दांत द्वारा पीस कर सैलिवा को मिलाकर जीभ के द्वारा निगल दिया जाता है, स्वेलो किया जाता है। स्वेलो करने के बाद ये फूड डायरेक्टली आता है स्टोमैक में। स्टोमैक एक ब्लैडर जैसा अंग है, स्टोमैक के अंदर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उनसे तीन प्रकार का सेक्रेशन निकलता है स्टोमैक के वाल से, जिसका नाम है HCL, म्यूसिन और प्रोपेप्सिनोजन। अब जरा इनका काम समझिए। तो आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड आर लोकेटेड इनसाइड द वॉल ऑफ स्टोमैक और गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट म्यूसिन, प्रोपेप्सिनोजन एंड HCL। HCL किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, इट आल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर द फर्दर डाइजेशन। एक तो HCL का काम है बैक्टीरिया उक्टीरिया जो भी आया होगा भोजन के द्वारा, ये तो किल हो जाएगा अमाशय में। दूसरा, अमाशय में भोजन का पाचन एसिडिक मीडियम में ही होता है, यही एसिड प्रोपेप्सिनोजन नामक एंजाइम को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन से रिएक्शन करके उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कभी ये भी डायरेक्ट एमिनो एसिड में नहीं आता। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो पहले पेप्टोन, फिर पेप्टाइड और लास्ट में एमिनो एसिड बनता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम अमाशय में सेक्रेट होता है। एक तीसरा चीज है म्यूसिन, अमाशय की दीवार पर एक जेली जैसा चीज अंदर से लेप है, लेयर है बना हुआ। ये अमाशय के सेल को, टिश्यू को एसिडिक प्रभाव से बचाता है, क्योंकि अगर सेल का संबंध एसिड से हो जाए तो सेल में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सेल पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा एसिड और इस तरह से सेल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो म्यूसिन वही काम करता है, अमाशय की दीवार को HCL के बैड इफेक्ट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ उसको मीडियम भी देता है डाइजेशन के लिए। अब तीसरा जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर। आप सबको पता है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लीवर बाइल जूस बनाता है और ये बाइल जूस लीवर में एक छोटी सी एलोइस कलर की थैली है जिसको हम लोग पित्त रस या गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसी गॉल ब्लैडर में लीवर
बाइल जूस को स्टोर करता है, संचित करता है। ऐसे बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, मगर ये मीडियम देगा। अमाशय में तो भोजन का पाचन एसिडिक मीडियम में होगा, लेकिन जब ये भोजन अमाशय से आंत में आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरू का पार्ट है जिसको हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं, जो यू आकार की नली है, अमाशय से जुटी हुई यू आकार की नली, यहाँ पर वो बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियेटिक ग्लैंड के डक्ट में खुलता है। मतलब ऐसे, मतलब आप इसको कुछ इस तरह से समझें, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे आप किताब की मदद से भी इसको देख सकते हैं। आप ऐसे समझें कि ये हमारा पैनक्रियेटिक ग्लैंड है, ठीक है, और इधर से आ जा रही है ये एक ये लीवर है, ये लीवर है, ठीक है, और ये जो हमारा ये जो पाइप है ना, ये तो पैनक्रियेटिक ग्लैंड हो गया, पैनक्रियेटिक ग्लैंड, और ये हमारा लीवर हो गया, और यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर है। तो ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस इस कॉमन बाइल पैनक्रियेटिक डक्ट में आ गया, कॉमन, इससे इधर का मटेरियल भी निकलेगा और इधर का मटेरियल, और ये आंत में ड्यूडिनम में ये पाइप खुलेंगे, यही ड्यूडिनम आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आकर के ये बाइल जूस मिला, और अब जो भोजन हमारा अमाशय से एसिडिक बन के आया था वो स्लाइटली अल्कालाइन हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि अब फर्दर डाइजेशन एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, अल्कालाइन मीडियम में होगा। वही बाइल जूस देता है, वहां पर मीडियम चेंज करता है, और बाइल जूस एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है कि ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को इमल्सीफाई करता है, छोटे छोटे बूंदों में तोड़ता है। इमल्सीफिकेशन फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी है, जो काम बाइल जूस करती है। अब जरा यहाँ पे भी आ जाएगी, जो हमारा पैनक्रियेटिक ग्लैंड है जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, ये अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के ठीक नीचे है, और इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी सेक्रेट करता होगा। आपने सुना होगा इंसुलिन की कमी से लोगों को डायबिटीज हो जाती है, चीनी की बीमारी हो जाती है, तो ये इंसुलिन भी यही देता है। इसके अलावा ये तीन गो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम है एमाइलेज, और तीसरे का नाम है लाइपेज। फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, अमाशय में पेप्सिन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। फिर ये ट्रिप्सिन वही करता है, फिर ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन पेप्टाइड एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एमिनो एसिड के बाद कोई कन्वर्शन नहीं है, दैट इज द इंड प्रोडक्ट, वो सबसे अंतिम उत्पाद है, वो इंड प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, फैट को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज जो पैनक्रियेटिक ग्लैंड से निकलता है, और ये फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, तो फैट का डाइजेशन हो गया। तीसरा जो एंजाइम है एमाइलेज, याद कीजिए अभी सेलिवरी ग्लैंड में बताए हैं, वही बात है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ये ग्लूकोज में बदल देगा एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होके ग्लूकोज में आ गया, प्रोटीन कन्वर्ट होके एमिनो एसिड में आ गया, फैट कन्वर्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आ गया, ये डाइजेशन हो गया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट का। अंतिम में यही पैनक्रियेटिक ग्लैंड से ये तीनों एंजाइम प्लस एक ही इंसुलिन ही नहीं है, और भी दो हार्मोन है, एक का नाम है ग्लूकागॉन और एक और भी है हार्मोन, तो खैर आपको उतनी जानकारी नहीं लेना है, इंसुलिन के बारे में जानना है ये कि इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन
ह्यूमन बीइंग कॉजेज डायबिटीज, मनुष्य में चीनी शुगर की बीमारी होती है। तो अब यहाँ पे भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन एकदम मार की तरह का हो जाता है, जिसको जैसे चावल का जो मार होता है ना, ठीक उसी तरह का हो जाता है। और उसको फिर काइम बोला जाता है, काइम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतिम छोर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हाथ के अंदर, जिसको हम लोग भिल्ली बोलते हैं, भिल्ली, ए भिल्ली, कुछ इस टाइप के होते हैं। उसका भी मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बता दूं, समझा दूं यहाँ पे। वो भिल्ली क्या है कि मान लीजिए कि अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को काट के और माइक्रोस्कोप में देखा तो ये एक गोल रिंग की तरह दिखाई देगा, और इसके अंदर में फिंगर लाइक इस टाइप के निकले होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस टाइप के निकले होते हैं। और यहीं पर आपका वो बिल्कुल मार जैसा डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे इसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये सब के साथ ब्लड सर्कुलेशन लगा हुआ है, ब्लड स्ट्रीम में ये सब के सब जा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके ये सेल को मिल जाए, तो इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, तो ब्लड सर्कुलेशन में ये सेल और टिश्यू में जब गया तो वही एसिमिलेशन हो गया। अनडाइजेस्टेड जो फूड है, अपचा भोजन, बिल्कुल अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी लेना है ये बिलाई ले चुका, लेते उसके बाद ये भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, जहां पर वाटर, साल्ट और भी कोई अगर यूजफुल चीज जो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ये भोजन अनडाइजेस्टेड फूड जो है सेमी सॉलिड अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में जमा होते होते अंत में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगले दिन के क्लास में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम पे बात करेंगे, तब जाकर कहीं लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर बायो का पूरा हो पाएगा। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग डाइजेशन को अच्छी तरह से समझ लें किताब की मदद से, अगर बुक नहीं है तो विद्यालय से कंसल्ट कीजिए और यथाशीघ्र बुक का इंतजाम कीजिए, क्योंकि अब अगर थोड़ा भी लेट करना, आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आपका ऐसे ही समय लॉकडाउन में यूं ही बेकार जा रहा है, अब आगे भी इसी तरह से अगर लॉकडाउन होती रहेगी तो आपको पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाएगा, इसलिए बी कॉन्शियस, बी रेडी टू सेल्फ स्टडी, आप तैयार हो जाइए स्वतः अध्ययन के लिए। हम लोग हिंट देते रहेंगे टाइम टू टाइम, इसी तरीका से नया क्लास खुलेगी तो फिर क्लास चलेगी।